हे गाइस, वेलकम बैक ऑन इंडियन रिएक्शन ऑन क्रिकेट। तो गाइस, बांग्लादेश को 2-0 हराने के बाद तो गाइस मैं तो भाई सब जगह भाई कंटेंट ढूंढ रहा था भाई। बोला कि भाई चलो भाई, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है गाइस, ठीक है, हम लोग देखते हैं उनके रिएक्शन क्या है भाई, मतलब कैसा डोमिनेंस परफॉर्मेंस किया है गाइस इंडिया ने। तो गाइस चलो भाई, हम लोग अभी अली भाई का वीडियो रिएक्ट करते गाइस। चलो गाइस स्टार्ट। और 3 इनिंग्स आना बाकी थी तो फिर रोहित शर्मा आए कप्तान। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, हम मैजिकल इनिंग्स खेलें, हम मैजिकल परफॉर्मेंस यहाँ डालें और ये टेस्ट अपने नाम कर लें। शायद ये पेपर पे लिखा जाता तो आप लोगों को बहुत आसान लगता, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन टीम इंडिया ने ये किया कि टीम इंडिया ने 95 रन ये और 285 रन जो उन्होंने पहली इनिंग में मिला के 380 रन बनाए 42 ओवर्स में एट अ रन आरपीओ यानी रन पर ओवर ऑफ 9 रन। और बांग्लादेश जो के सामने था उनको 272 रन बनवाए उस 107 की ब्रेक के बाद, 107 फॉर 3। उसके बाद से लेके बांग्लादेश ने 272 रन बनाए और इंडिया ने 18 विकेट अपने नाम की। व्हाट अ ब्रिलियंट टीम दिस इज, व्हाट अ ब्रिलियंट मैजिकल एंड थंपिंग विक्ट्री दिस इज। इंडिया हैज इंडीड रीडिफाइंड हाउ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। बहुत सारी बात होती है, टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग, ओडीआई इज डाइंग, लीग इज द फ्यूचर। क्राउड को आपने देखा, जब होम टीम इस तरह की क्रिकेट खेलती है तो वीक डे के ऊपर भी क्राउड खचाखच भरा होता है और हर रन को चेयर करता है, हर विकेट को चेयर करता है, हर एक अच्छी फील्डिंग एफर्ट को चेयर करता है, हर एक मूवमेंट को एंजॉय करता है वीक डे पे भी आके अपनी जेब से पैसे खर्च के। ओडीआई में क्राउड नहीं आता, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देखिए वहां क्राउड आता है। काम सिर्फ इतना करना है कि क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है। रोहित शर्मा एंड हिज टीम, रोहित शर्मा वो कप्तान जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद उस बंदे में एक नई स्पिरिट आई और उसने बोला माइलस्टोन रखो साइड में, अब सिर्फ एक ही तरीके से खेलना है, सिर्फ टीम के लिए खेलना है, सिर्फ मुल्क के लिए खेलना है, माइलस्टोन साइड में और हम सिर्फ एक सिम्थ में बढ़ेंगे, एक झुट बन के बढ़ेंगे और वो विक्ट्रीज भी अपने नाम। तो गाइस ऑस्ट्रेलिया के पास गाइस पता है इतना ट्रॉफी क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट ओनली भाई, कि उन लोग माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते। इंडिया में क्या होता है भाई कि सचिन तेंदुलकर ने भाई 100 बना दिया भाई, लेकिन वर्ल्ड कप ही नहीं था, मतलब इतना वर्ल्ड कप, वो एक आया वो भी 2013 में। तो आप समझ रहे हो बिकॉज व्हाट हैपेंड, ये एक्चुअल माइलस्टोन कि भाई 100 सेंचुरी ये, बट जो एक्चुअल में गाइस जो ऑन द डे मैटर करता है टीम परफॉर्मेंस। टीम परफॉर्मेंस अगर नहीं है भाई, दिस इज अ टीम गेम भाई। अगर खेलना है तो दो लोग का ही रखो भाई, एक बैट्समैन एक बॉलर, दो लोग का ही खेलो और भाई क्रिकेट खेलो। दिस इज अ टीम गेम, दैट्स व्हाई करेंगे जो शायद किसी ने सोची ना हो, ये वाली किसी ने ना सोची थी, ये वाली सब ये सोच रहे थे कि ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन आपको कल पहली वीडियो में ही बताया था कि इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से नहीं है, इंडिया का मुकाबला टाइम से है। तो इंडिया का मुकाबला जब टाइम से था तो इंडिया ने 380 रन लगाए। और गाइस एक और चीज, ठीक है, मैं ड्रॉ वाला मैं ऐड कर रहा हूं, ड्रॉ वाला, ठीक है। तो गाइस अभी जो माइंडसेट हो गया ना, ठीक है, अभी रोहित शर्मा और अश्विन मतलब जितने भी सीनियर्स है उनका माइंडसेट ये हो गया टेस्ट मैच के रिलेटेड, भाई अगर जीतना है या हरना है, ड्रॉ नहीं करना है भाई, ड्रॉ करके रिजल्ट क्या फायदा ड्रॉ करके। तो दैट्स द अभी मेन एम जरा भाई, अगर खेलो तो एग्रेसिव खेलो, दैट्स एम कि भाई जीतना है, दैट्स द एम ऑफ द टीम इंडिया। तो वही कि भाई जीतना है उसके हिसाब से गाइस दे गॉन एग्रेसिव। पता है कि टाइम का शॉर्टेज है तो उसके हिसाब से गाइस बॉलर ने गाइस, सच्ची बोलूं गाइस बॉलर ने गाइस, जो हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी इंडियन बॉलर जो ने परफॉर्मेंस किया भाई सच में, बिकॉज ऑफ बॉलिंग गाइस, ठीक है, इंडिया को जो टाइम मिल पाया है 6-4 मारने का भाई, बिकॉज ऑफ बॉलिंग, बॉलिंग ने बचा दिया भाई एक्चुअली सच इन मैच। थैंक यू सो मच बुमराह भाई, जब 6 विकेट, थैंक यू अश्विन जडेजा, थैंक यू सो मच एवरीवन। 42 ओवर में 2 इनिंग्स में 13 विकेटों के नुकसान पे और बांग्लादेश 272 रन मैनेज कर सका, 18 विकेट देके चला गया। क्या कप्तान है भाई ये आदमी रोहित शर्मा, और इस कप्तान के पास जिस तरह इसकी आर्मी है, आप यशस्वी जायसवाल की बात करें जिसने बैक टू बैक दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई, क्या प्रॉमिसिंग करियर है इस यंगस्टर का। टेक्निकल स्किल्स की बात करें, कॉम्पैक्ट टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बड़ी परफेक्ट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, फुटवर्क और बैलेंस बड़ा जबरदस्त है, पॉजिटिव माइंडसेट है, फियरलेसनेस है, कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, एडेप्टेबिलिटी है,
फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एजिलिटी, एंड्योरेंस एंड पावर दैट ही जनरेट्स विद द सिग्निफिकेंट बैट स्पीड एंड पावर, ये सारी चीजें ना मैं कोई एग्जैजरेट कर रहा हूं, ना मैं अपने कोई दिल से बात कर रहा हूं, ना दिमाग से बात कर रहा हूं, ये मैं वो चीज बात कर रहा हूं जो कि स्टैट्स है, जो कि स्टेटेड है आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। जिस बॉल कप्तान के पास ऐसा रिलेंटलेस बॉलिंग अटैक हो कि अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी जडेजा, अश्विन, बुमराह, आकाशदीप, सिराज के सामने है तो शायद वो भी लड़खड़ा जाए, लेकिन इस कप्तान ने ये नए एरा में जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के अंडर शुरू हुआ है, इस नए एरा में इन्होंने पहली अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर एक तारीख रकम कर दी है कि वी विल नॉट बो डाउन, we will come back, we will keep on haunting you and we will come in a form, in a manner jahan hum sirf victory ka sochenge na hum draw ka sochenge na agli ki strength ko kill karne ka sochenge, hum sirf apni strength se cricket khelenge, wo harega bhai, apne mizaj se cricket khelenge aur is tarah cricket khelenge jo ki impact bhi create kare, yahan dominate bhi kare। ek england ki bass ball thi jo ki yardstick ban chuki thi, jo team tez khelegi bass ball bass ball bass ball, aaj us bass ball ko ek dabbe mein band kare, usko bahut chamkila sa wrap lagao aur jaake usko kisi darya mein phenk de, kyunki aaj ke baad india ne टेस्ट क्रिकेट खेलने के तरीके को तब्दील कर दिया, टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया, द आर्ट ऑफ थ्रिलिंग क्रिकेट जो कि टेस्ट में खेली जाती है, जो कि ना T20 वो आपको मजा दे सकती है, ना ODI वो मजा दे सकती है, उस मजे को दोबाला करके टेस्ट क्रिकेट रीडिफाइन करके आपके सामने रख दी। आज से मुझे लगता है इसको गौती बॉल का नाम दे दे या रोह बॉल का नाम दे दे, लेकिन बैस बॉल अब इतिहास का हिस्सा है और फ्यूचर ये है जो आज आपने, आज भी क्या हम दो दिन की बात करें तो डेढ़ दिन से ऊपर कहानी नहीं गई, डेढ़ दिन में सब कुछ इख्तिताम हो गया, शायद वो आधा दिन भी हम ज्यादा दे रहे थे और आधे दिन के ऊपर भी हम ज्यादा ये बात कर रहे थे कि इसमें क्या होगा, ये तो कहानी डेढ़ दिन के अंदर खत्म करके रैप अप करके आगे पीछे करके आते हैं, उसी की खुमार में अब ढाका वापस चले जाए, क्योंकि आप हमारे सामने किसी काबिल ना खड़े हो सके, क्योंकि जिस तरीके की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, बट क्रेडिट लाइज with each and every one of them, चाहे वो बैठे हुए लोग हों स्टाफ सपोर्ट स्टाफ के जो कि ड्रेसिंग रूम में हैं, या जो 11 के 11 लड़के फील्ड पे उतरे हुए, क्योंकि इस टीम ने जिस किस्म का एग्जेम्पलरी डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट दिखाया है, जिसमें आपको एंड्यूरेंस लेवल, आपको एजिलिटी लेवल्स, आपको टेक्निकल स्किल्स, आपको मेंटल स्ट्रेंथ, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, इस सब एलिमेंट का एक बेहतरीन मुजाहिरा दिखा है कि क्रिकेट खेली जाती है बॉस तो इस तरह खेली जाती है, अगर अपने घर में डोमिनेट करना है तो इस तरह करना है। और आज इस सीरीज के साथ इंडिया ने 18वीं कंसेक्यूटिव सीरीज सिंस फरवरी 2012 पिछले 12 साल में इंडिया की ये 18वीं कंसेक्यूटिव सीरीज विन है। आज तक कोई टीम इसके करीब नहीं भटकी है, ना रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, ना स्टीव वॉक की ऑस्ट्रेलिया, ना डॉट ब्रेडमैन की ऑस्ट्रेलिया, ना वेस्ट इंडीज, कोई टीम अपने अरूज पे वो अरूज ना देख सकी अपने घर के ऊपर जो आज टीम इंडिया के पास है। 18th कंसेक्यूटिव सीरीज विन इन लास्ट 12 इयर्स एंड दे आर अनबीटेबल फॉर मोर देन 4300 डेज, ये कोई मजाक नहीं है। और जब कप्तानी तब्दील हुई विराट से, लोगों को लगा कि नहीं जी ये नहीं हो सकेगा, विराट बड़ा अग्रेसिव कप्तान है, रोहित की एक बड़ी डिफरेंट पर्सनालिटी है, लेकिन अपनी अग्रेसिव अप्रोच, रोहित जिस तरह इनकरेज करता है प्लेयर्स को रिस्क लेने के लिए, पॉजिटिव खेलने के लिए, वो सिर्फ इनकरेज नहीं करता, वो खुद एग्जाम्पल लीड करता है, वो सबसे पहली पहल करता है, फिर टैक्टिकल एक्यूमेन जहां आपके पास अग्रेसिव अप्रोच है, आपके पास टेक्टिकल एक्यूमेन भी मौजूद है कि आप ऐसे इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स देख लीजिए, बॉलिंग चेंजेस देख लीजिए, आप प्लेयर के रोल्स देख लीजिए। आज एक छोटी सी मिसाल थी ना कि मुशफिको रहीम आखिरी में सिंगल नहीं दे रहा था और खालिद को वो स्ट्राइक पे नहीं लेके आ रहा था, लेकिन जहां उसको रोका जडेजा के ओवर में कि वो आखिरी बॉल पे सिंगल ना ले, तो अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह आया और उसी ओवर में इनिंग्स का इख्तिताम हो गया। ये है मुजाहिरा टेक्टिकल एक्यूमेन का, जहां रोहित शर्मा की अग्रेसिव। और गाइस एक और चीज भाई, जो खेल रहा था ना गाइस, ठीक है, बुमराह जो विकेट लिया ना भाई, वो टेल एंड का विकेट नहीं लेता भाई, शाइन अफरीदी क्या करता है भाई, वो टेल एंड का विकेट लेता और वैसे ऐसा करता टेस्ट मैच में। व्हाट इज दिस ब्रो, हाउ यू विल ग्रो देन, यू आर अ गोट ऑफ पाकिस्तान, कैसे बनेगा भाई गोट।
तो गाइस ठीक है, तो भाई तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अली भाई का, आप गाइस जाके पूरा वीडियो देखना, तो गाइस ठीक है वहां पे जाके चेकआउट करो। तो दिस इज जस्ट अ रिएक्शन वीडियो, तो गाइस आई होप आप लोग को ये रिएक्शन अच्छा लगा रहेगा गाइस ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस मेक श्योर गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी गाइस, थैंक यू सो मच।